दोस्तों ओप्पो कंपनी ने अपना ओप्पो रेनो 7 प्रो ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है वो 40 से 50,000 के अंदर इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले इसी स्मार्टफोन के नेक्स्ट सीरीज़ के, जो कि ओप्पो रेनो 8 प्रो 5G स्मार्टफोन होने वाला है। और ओप्पो रेनो 7 प्रो भी दोस्तों 5G स्मार्टफोन था। और दोस्तों ये ओप्पो रेनो 7 प्रो मार्केट में काफ़ी बेहतरीन साबित हो चुका। तो दोस्तों इसी स्मार्टफोन के नेक्स्ट सीरीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, ओप्पो रेनो 8 प्रो 5G। तो गाइस यार आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ओप्पो कंपनी साल में एक या दो फोन लॉन्च कर देता है इस ओप्पो रेनो सीरीज़ के। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि आपको ओप्पो रेनो 8 प्रो स्मार्टफोन में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, ऑफिशियली कन्फर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइस, लॉन्च डेट, कि क्या स्पेसिफिकेशन आपको फ्यूचर में स्मार्टफोन में देखने को मिल सकते हैं। तो चले गए जी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ओप्पो रेनो 8 प्रो के कैमरे के बारे में, तो 64 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल ऐसे क्वाड कैमरे का सेटअप आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों 2022 का ट्रेंड में है पंच होल कैमरा। तो यही कैमरा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। स्टोरेज की अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो ओप्पो रेनो 7 प्रो में आपको दो ही ऑप्शन मिले थे, बट यहाँ पर एक एडवांस लेवल तक आपको तीसरा ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है, जो कि 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज, 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज, इतना ही आपको 7 प्रो में मिला था। बट 8 प्रो में आपको एक एडवांस मिलने वाला है, जो कि 12GB रैम एंड 512GB रोम। तो यहाँ पर दोस्तों आगे चल के बात करते हैं स्मार्टफोन के नेटवर्क स्पीड वर्जन एंड अपडेट के बारे में। तो ये जो स्मार्टफोन है वो 5G नेटवर्क स्पीड को सपोर्ट करने वाला है और एंड्रॉयड 12 पे बेस रहने वाला है। इसमें अपडेट रहने वाला है कलर OS 12 का। आगे चल के बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED का डिस्प्ले, साथ ही 90Hz का रिफ्रेश रेट इसमें देखने को मिल जाएगा, एंड HDR10 प्लस का भी सपोर्ट आपको इसमें मिलने वाला है दोस्तों। आगे चल के बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में, तो सिक्योरिटी यानी कि दोस्तों मोबाइल को जो भी ऑप्शंस रहने वाले हैं लॉक अनलॉक करने के लिए, उसको हम सिक्योरिटी बताते हैं। तो यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन इसमें मिलने वाला है, साथ ही फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और दोस्तों आगे चल के बात करते हैं स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो MediaTek Dimensity 9000 का प्रोसेसर, जो कि 2022 में एक बेटर परफॉर्मेंस एंड हाईएस्ट क्वालिटी प्रोसेसर रहने वाला है, जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस के साथ में आने वाला ऑक्टाकोर 5G चिपसेट रहेगा। तो दोस्तों बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो 5000mAh की बैटरी इसमें मिल जाएगी, जो कि 65W चार्जिंग फीचर को सपोर्ट करने वाली है। यह जो चार्जिंग है दोस्तों काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी, काफ़ी फास्ट चार्ज हो जाएगी 65W यानी कि। अब गाइस यार फाइनली बात करते हैं स्मार्टफोन के प्राइस एंड लॉन्च डेट की। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं, यानी कि तुम्हारे भाई के इस MTech ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आगे भी मिल सके। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट डिसलाइक करने की वजह कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि वो मैं सुधार लूँगा। तो आगे चल के बात करते हैं फाइनली प्राइस लॉन्च डेट की। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेनो 7 प्रो स्मार्टफोन की प्राइस 40,000 से 50,000 के बीच में है, तो इस ओप्पो रेनो 8 प्रो स्मार्टफोन की भी प्राइस आपको 40 से 50,000 के बीच में ही देखने को मिल जाएगी। और अब फाइनली बात करते हैं लॉन्च डेट की, तो जून 2022 को ये इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट करेंगे। गाइस यार दिस वीडियो इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो कि आपको क्या फीचर्स देखने को मिल सकते हैं ओप्पो रेनो 8 प्रो में। तो मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।